ठंड की आहट शुरू होते ही चोरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार की देर रात डिगवाडी बालूलाइन निवासी भास्कर चौबे और सीआरओ कॉलोनी में सिक्के आवास का निशाना बनाया। चोरों ने लगभग लाख रुपए मूल्य के आभूषण के अलावा उनके कीमती सामानों की चोरी करके फरार हो गए। घटना के संबंध में गृहस्वामी बताते हैं कि ठंड के कारण नींद में थे। चोरों ने स्प्रे से सभी को बेहोश किया, जिस कारण हम लोग सभी सोए ही रह गए और चोरों ने आराम से घटना को अंजाम दिया। जब सुबह आँख खुली तो देखा कि घर से मोबाइल, अलमीरा से आभूषण और कासा के बर्तन से लाखों के सामान गायब थे। घटना की सूचना परिजनों ने जोड़ापोकर पुलिस को दी। पुलिस पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। नंबर घटवार बस्ती बालूलाइन, क्या मामला है? मामला है कि रात में चोरी हो गया है। क्या क्या चोरी किया है? चोरी में हम लोग सब 11-11.30 बजे तक दवा ववा खिला कर सोए। सोने के बाद में सब सो गए। उसके बाद में तबीयत खराब था बड़ा भाई का, मझला भाई का। हमको ही लोग फोन किए, कलकत्ता से आए, उनको 20,000 रुपया भाभी को दिए, है वो पैसा भी चला गया। उसके बाद सोना और चांदी का पायल में था, वो सब ले जाके ऊपर में लोग बैठ के भाग करके समूचा डुप्लीकेट वाला छोड़ दिया, ओरिजिनल लेके चला गया। उसके बाद और उसके बाद छठ पूजा का जो बर्तन था कासा फूल का, वो सब लेकर चला गया। लगभग कितना का सामान लेकर गया लोग? कम होती कितना हो देखो, लगाना होगा, सब अलग अलग था। थाना को सूचना दी? हाँ, थाना को सूचना दिए। दो मोबाइल था, मोबाइल है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उग्र नारायण चौबे होगा, बड़ा भैया है भास्कर नारायण चौबे,